सनराइज स्कूल हिंदुजन का स्वागत है। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण है मुख्यतः तीसरी से लेकर आठवीं तक। वर्ण वर्ण का तो सदर नाम है अक्षर, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। उसके बाद वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जैसे क आदि इसके नीचे अगर हम अनंत लगा देते हैं तो इसके बाद इसको टुकड़े नहीं हो सकते। इसी तरह से इसके नीचे अनंत लगा देते हैं या फिर तो ये इसको टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटी इकाई है इसको वर्ण या ध्वनि कहते हैं। उसके बाद उसको वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण है उनके व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगर हम लिखते हैं उनके आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। लिखने के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर होते हैं, 13 जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 35 व्यंजन आते हैं और 4 शब्द व्यंजन आते हैं। इसके अंदर 4 शब्द व्यंजन होते हैं तो इनके आधार पर 52 लेखन के आधार पर 13 स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए और 4 शब्द व्यंजन हो गए। इनके आधार पर उनकी संख्या 52 होती है। उसके बाद वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर जिसको हम इंग्लिश में वाउल्स कहते हैं, दूसरा है व्यंजन जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके बाद आता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमालों में स्वरों की संख्या 14 है। जैसे ए, ए क्या है? स्वर है। तो इसमें इसको उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको हम स्वर कहेंगे। उसके बाद आता है स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर उसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है ऋषभ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्रलोभ स्वर। उसके बाद आता है ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर में क्या होता है? एक मात्रा होता है, इसके अंदर एक ही मात्रा होती है। जैसे ए है, ई है, ऊ है, री है, ये सभी क्या है? ऋषभ स्वर है क्योंकि इनके अंदर एक ही मात्रा है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं वो द्विमात्र होते हैं। दीर्घ स्वर के अंदर दो मात्राएं होती है, जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है क्योंकि इनके अंदर दो मात्राएं है। तीसरा है प्रलोभ स्वर। प्रलोभ स्वर के अंदर त्रिमात्रिक होता है, इसके अंदर तीन मात्राएं होती है, जैसे ओम। ओम क्या है? प्रलोभ स्वर है क्योंकि इसके अंदर तीन मात्राएं, इसको त्रिमात्रिक कहेंगे। उसके बाद आता है व्यंजन। वर्ण का दूसरा पार्ट व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे हम लिखेंगे क, तो क है वो क प्लस ए से मिलकर बना है क्योंकि उनके अंदर किसकी आवश्यकता है? है क्या? स्वर। व्यंजन इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु पर रुकावट होती है, मुख से वायु निकलती है तो रुकावट होती है। उसके बाद आता है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार तो पहला होता है स्पृश व्यंजन। स्पृश व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं, कैसे लेकर मैं तक स्पृश व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 है। जैसे इसके अंदर कैवर्ग आ गया, चैवर्ग आ गया, टैवर्ग आ गया, टैवर्ग आ गया, टैवर्ग आ गया, तो इनके प्रत्येक के पांच पांच होते हैं तो 25। स्पृश व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है उत्सव व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है।
जैसे स स स है, तीनों स हो गए और है हो गया, ये उस समय इंद्र होते हैं। क्योंकि इनको बोलते हैं तो उस समय हमारे मुख से उष्मा जो बाहर निकलती है। उसके बाद उत्तक्षित व्यंजन, उत्तक्षित व्यंजन का दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है। तो उत्तक्षित व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हैं तब उसी समय हमारे जीवा हमारे तालु से टकराती है, तो उत्तक्षित व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन दो होते हैं, जे और है। ये आगत व्यंजन क्योंकि दूसरी भाषाओं से आए हैं। आगत व्यंजनों के नीचे क्या होता है, नुक्ता लगा होता है, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।